इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच होने वाले टेस्ट सीरीज के लिए दोस्तों अभी जो है बीसीसीआई ने दोस्तों टीम जो है वो जारी कर दिया। दो टेस्ट मैचों के लिए दोस्तों अभी जो है टीम जारी हो चुकी है। और आपको बता दें बीसीसीआई ने शुक्रवार को जो इंग्लैंड के खिलाफ 25 जनवरी से शुरू होने वाले 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के शुरुआती 2 मैच यानी सिर्फ 2 मैचों के लिए जो है भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है, जिसमें दोस्तों रोहित शर्मा की अगुवाई, रोहित शर्मा कैप्टन होंगे और भारतीय टीम में अनकैप्ड युवा विकेट कीपर बल्लेबाज ध्रुव चहल को भी शामिल किया गया। आपको बता दें भारत ने पहले 2 मैचों के लिए 3 विकेट कीपर बल्लेबाज को जगह दी है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से ईशान किशन ने बाहर होने का फैसला किया था, लेकिन उसके बाद से वह टीम से बाहर चले। अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के बाद भी उन्हें 2 T20 मैचों सीरीज के लिए जो टीम में जगह नहीं मिली है। कोच राहुल द्रविड़ ने अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज से पहले कहा था कि ईशान को टीम में जगह अगर बनानी तो उसे घरेलू क्रिकेट खेलना पड़े, जैसे लगे IPL खेलना पड़े, रणजी ट्रॉफी खेलना पड़े, तब जो है उनको टीम में जगह मिल सकती है। क्योंकि दोस्तों ईशान किशन जो बहुत ज़्यादा अनफॉर्म चल रहे हैं, जिस कारण से दोस्तों उनको जो है टीम से बाहर निकाला गया था और अभी तक जो उनकी टीम में वापसी नहीं हुई है, जिस कारण से दोस्तों टीम इंडिया को जो है कुछ नया सोचना था। इसलिए उसने जो है KS भरत प्लस दोस्तों KL राहुल अब प्लस दोस्तों उन्होंने जो है एक नए विकेट कीपर ध्रुव चहल को जो है उत्तर प्रदेश के पलटे हैं और उन्हें जो है टीम में शामिल किया जो कि अनकैप्ड है। आपको बता दोस्तों पुरुष चयन समिति ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले 2 टेस्ट मैचों के लिए भारत की टीम की घोषणा की है। और आपको बता दें भारत 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगा, जिसका पहला मुकाबला जो है 25 जनवरी 2024 से हैदराबाद में होगा। ईशान किशन के अलावा मोहम्मद शमी भी जो है वो चोट के कारण शुरुआती 2 मैचों का हिस्सा नहीं रहे। अक्षर पटेल और कुलदीप यादव को भी जगह मिली है, जबकि दोस्तों ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ठीक है, इंग्लैंड ने दिसंबर में भारत के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज 5 टेस्ट मैचों की श्रीलंका की जो है 16 खिलाड़ियों की घोषणा की थी, जिसमें दोस्तों उनकी टीम में दोस्तों 3 अनकैप्ड खिलाड़ी शामिल हैं, जिसमें कि तेज गेंदबाज गस एडिक्सन, ऑफ स्पिनर टॉम हासले और शोएब बशीर हैं। ठीक है, तो अब भारत की क्या स्कॉर रहने वाली है इंग्लैंड के खिलाफ पहले 2 टेस्ट मैचों के लिए, अगर उसकी चर्चा की जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों इस टीम में दोस्तों आपको रोहित शर्मा कैप्टन दिखेंगे, शुभमन गिल दिखेंगे, यशस्वी जायसवाल दिखेंगे, विराट कोहली दिखेंगे, सुरेश अय्यर दिखेंगे, KL राहुल दिखेंगे विकेट कीपर के रूप में, KS भरत दिखेंगे विकेट कीपर के रूप में, ध्रुव चहल दिखेंगे विकेट कीपर के रूप में, आर अश्विन होंगे, आर जडेजा होंगे यानी रविंद्र चरण अश्विन होंगे, रविंद्र जडेजा होंगे, फिर उसके बाद अक्षर पटेल होंगे, कुलदीप यादव होंगे, मोहम्मद सिराज होंगे, मुकेश कुमार को जो है पिछली सीरीज में जो अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए तो उनको जो टीम में जगह दिया गया है, जो कि इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका जो टेस्ट सीरीज हुआ उसमें जो है मुकेश कुमार ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग करके दिखाई, मोहम्मद सिराज ने अच्छी बॉलिंग करके दिखाई, इसलिए दोस्तों मुकेश कुमार को टीम में जगह दी गई। प्लस दोस्तों जसप्रीत बुमराह को भी टीम में जगह दिया गया, क्योंकि दोस्तों जसप्रीत बुमराह जो है काफ़ी अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस करके दिखाए कुछ मैचों में टेस्ट में, और प्लस उनको उप कप्तान भी बनाया गया टेस्ट सीरीज का। प्लस दोस्तों लास्ट में आपको आबिद खान भी दिखेंगे। इसके अलावा दोस्तों इंग्लैंड ने भी 2 टीमों की सीरीज के लिए जो है अपना स्कोर जारी कर दिया, तो उसमें दोस्तों आपको बेन स्टोक्स कैप्टन दिखेंगे, रेहान अहमद दिखेंगे, जेम्स एडनसन दिखेंगे, गस एडिक्सन दिखेंगे, जॉनी ब्रेस्टो को विकेट कीपर ग्रुप में लिया गया, शोएब बशीर दिखेंगे, हैरी ब्रूक दिखेंगे, जॉन कर्ली दिखेंगे, बेन डेकेट दिखेंगे, वेन फॉक्स दिखेंगे, टॉम हेसले दिखेंगे, जैकी लिंच दिखेंगे, फिर उसके बाद ओली बॉब दिखेंगे, फिर उसके बाद ओली रॉबिन्सन दिखेंगे, जॉय रूट दिखेंगे और मार्क वुड दिखेंगे। तो ये इंग्लैंड की टीम रहने वाली है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच होने वाले टेस्ट सीरीज के लिए। फिर उसके बाद दोस्तों भारत अपना पहला जो टेस्ट शेड्यूल भी जारी हो चुका है, कब से कब खेला जाएगा टेस्ट मैच, तो आपको पता दोस्तों भारत जो है अपना पहला टेस्ट मैच जो है वो 25 जनवरी से लेकर 29 जनवरी के बीच हैदराबाद में खेलेगा। प्लस दोस्तों दूसरा टेस्ट मैच जो भारत जो है इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा 2 से 6 फरवरी के बीच वाइजैक में। फिर उसके बाद तीसरा T20 मैच खेला जाएगा 15 से 19 फरवरी को राजकोट में, और प्लस दोस्तों चौथा टेस्ट मैच जो खेला जाएगा वो 23 से 27 फरवरी को रांची में, और पाँचवा टेस्ट मैच जो खेला जाएगा वो 7 से 11 मार्च को धर्मशाला। तो लगभग ये जो है 2 महीने तक टेस्ट मैच चलने वाला दोस्तों, यानी कि जनवरी में टेस्ट मैच स्टार्ट होगा और जाके ये खत्म होगा मार्च में, यानी लगभग जो है IPL का जब टाइम आ जाएगा दोस्तों तब तक ये टेस्ट सीरीज चलने वाला। तो नॉर्मल दोस्तों ये टेस्ट सीरीज में जो है नया चेहरा हमें दिखता है ध्रुव चहल का, ध्रुव चहल को ये जो है पहली बार चांस दिया गया टेस्ट सीरीज में, अगर ये अच्छा परफॉर्मेंस करते तो शायद जो है ईशान किशन का जगह भी खा सकते हैं, और ईशान किशन जो है भूल जाए कि वो टीम में वापसी करने ये कभी भी, क्योंकि दोस्तों ईशान किशन को बहुत ही ज़्यादा चांस दिया गया, T20 मुकाबलों में चांस दिया गया, वनडे मुकाबलों में चांस दिया गया, प्लस दोस्तों टेस्ट सीरीज में चांस दिया गया, बस दोस्तों वो जो है उभर नहीं सके और वो अच्छा कर नहीं सके। मात्र दोस्तों एक वनडे में उसने अच्छा किया था, दोहरा शतक लगाया, तो उसके बाद से दोस्तों 2023 का जो है उनका जो है वर्ल्ड कप में भी चांस दिया गया, प्लस उनको जो है टेस्ट सीरीज में भी चांस दिया गया, पर दोस्तों उसने किसी भी अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया नहीं। सो फाइनली दोस्तों जिस कारण से उनको टीम से बाहर निकालना पड़ा, और अभी तक जो है वो टीम से बाहर नहीं है, और अफगानिस्तान के खिलाफ जो T20 सीरीज चल रही है उसमें भी दोस्तों इसने जो है चयन नहीं किया गया ईशान किशन, तो जाहिर सी बात कि उनका करियर को जो है तो लगभग में डी एंड तो आ चुका है, अगर दोस्तों वो टेस्ट सीरीज में क्या बोलते हैं T20 मतलब सामने IPL में अच्छा करते हैं, प्लस दोस्तों अगर वो
और भी जो सीरीज होती है, रणजी ट्रॉफी हो गई, विजय हजारे ट्रॉफी हो गई, अगर उसमें अच्छा करते तो जाहिर सी बात है कि उनकी वापसी का थोड़ा बहुत चांस मिल सकता है। बट दोस्तों जगह खाली रहेगा तब ना, के एस भरत हो गए, प्लस विकेट कीपर में केएल राहुल है, प्लस उससे एक और ऑप्शन है, क्या बोलते हैं, ध्रुव जोयल भी को भी टीम में शामिल कर लिया गया। अगर ये सब अच्छा करते हैं तो जाहिर सी बात है कि ईशान किशन को टीम इंडिया की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। प्लस दोस्तों रोहित शर्मा जो है अभी जो है साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो है टेस्ट सीरीज का जो है बराबरी करके आया, तो जाहिर सी बात है उनकी कैप्टनसी काफी अच्छी दिख रही है। और प्लस दोस्तों T20 का अलग कप्तान रोहित शर्मा को बना दिया गया, तो जाहिर सी बात है कि टीम और भी पहले से मजबूत नजर आएगी। प्लस दोस्तों मुकेश कुमार एक नया खिलाड़ी टीम के साथ जुड़ चुके हैं जो कि काफी अच्छी बॉलिंग करके देखा है साउथ अफ्रीका सीरीज में, तो जाहिर सी बात है कि इसमें भी वो अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो जाहिर सी बात है टीम अच्छा परफॉर्मेंस कर सके, मतलब टीम जीतेगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।